अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शहजाद रॉयल मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए और आज भी हम एक यूनिक कलर आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत सिंपल मेथड से। और उम्मीद करता हूँ कि जो पीछे हमारी वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर वो भी आप लोगों ने विजिट की होंगे, अगर नहीं की तो उस पर लाजमी जाए। बड़ी डिटेल के साथ कलर के मिक्सिंग के बारे में बताया गया है। तो आज फिर हम एक नए कलर की तरफ जा रहे हैं। अगर जो हमारे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको तो पता होगा कि बताया कि ये हमारे पास बेसिक कलर होते हैं और हमारे पास एंटी कलर होते हैं, जिससे हम जितने भी कलर ये हैं आपको फैशन शेड नज़र आ रही है हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। जो एंटी कलर है ना, वो क्या होता है, व्हील कलर होता है, उससे आपने टोटल कलर डिज़ाइन करने होते हैं। आज हम कुछ यूनिक कलर बनाने लगे हैं, ठीक है जी। आज हम कलर बनाने लगे ये वाला 7.31, ठीक है 7.31, ठीक है 7.31। आज हम किस तरह इसको बनाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास ये कलर मौजूद नहीं है और कलर कस्टमर को रिक्वायर्ड है कि मैंने यही कलर करवाना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको 7 लेवल तक इसको कट डाउन करना है 20 वॉल्यूम से। उसके बाद आपने क्या करना है, बेसिक कलर लेना है 7, बेसिक 7 लेना है। और जो हमारे पास ये व्हील कलर है इस टाइम मौजूद, इसमें हमने कलर ऐड करना है, जैसे ये 7 कलर लिया बेसिक और आगे आपने लेना है 3, यानी कि ये वाला आपने 0.33, यानी कि ये आपने 25 लेना है और 50 आपने 7 लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने कलर डिज़ाइन करना है, आगे आ गया जी 1, ठीक है। आपने 1 में क्या करना है, ये एश 011 कलर है, ये आपने 25 ये लेना है, 25 ये लेना है और 50% आपने ये वाला कलर लेना है। तो क्या होगा, आपका जो आप कलर डिज़ाइन करना चाह रहे थे वो आप उसको कलर बना चुके हैं। इसी तरह ही जितने ये शेड कार्ड में हमारे पास मौजूद हैं फैशन कलर, आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप हेयर में हैं तो आपको कलर मिक्सिंग आना चाहिए। ऐसा होता है कि हम पूरे कलर नहीं हमारे पास मौजूद होते और कस्टमर को रिक्वायर्ड होते कि किस तरह हम इस कलर को रिक्वायर्ड बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कलर काफ़ी सारे मौजूद भी हैं, तो और भी हमारे पास काफ़ी कलर ये पड़े हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये कलर भी काफ़ी मौजूद पड़े हैं। तो इसी तरह आप क्या करते हैं, क्लाइंट तो जब आप शेड कार्ड दिखाते हैं क्या करता है, उसने अपने तरीके से सिलेक्ट करना होता है, तो आप खुद से बनाना सीखें। तो इसलिए मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ वीडियो में हर दिन आप लोगों को मिलेगी मेरे चैनल पर, उस पर लाजमी जाएँ, बड़ी डिटेल में सीखें और ये प्रैक्टिकल भी करें क्लाइंट के ऊपर, इंशाल्लाह आपको 100 में 100 रिजल्ट आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है ये बहुत अच्छी होगी आप लोगों के लिए। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट जो भी कलर आपने बनाना है या क्लाइंट के हेयर के ऊपर कोई इश्यूज़ है, आप मेरे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोगों को दूंगा। और जो भी आप कलर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं वो भी नीचे मेंशन करें, वो भी बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।